हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कार जिज्ञासु। मैं हूं आज टोयोटा हाईक्रॉस के साथ, टॉप एंड वेरिएंट के साथ। अगर आपने रिसेंटली टोयोटा हाईक्रॉस लिया है टॉप एंड वेरिएंट, तो उसमें कुछ इनिशियल सेटिंग्स हैं एमआईडी के जो आपको कर लेने चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है, एंड देखते रहिए पूरे वीडियो को। तो हम पहले सबसे पहले कार स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने कार स्टार्ट कर लिया और मैं जूम करता हूँ यहाँ हमारे एमआईडी डिस्प्ले की तरफ। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारा जो एमआईडी डिस्प्ले है उसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ आता है और ये सेटिंग्स में हमें क्या चीज़ करना है। ये देखिए, मैंने जूम किया है तो सेटिंग में आप सबसे पहले देखेंगे कि ये किलोमीटर पर लीटर में माइलेज नहीं आ रहा है, ये लीटर पर 100 किलोमीटर में आ रहा है। और दूसरा जो है हम सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड में जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर जो टायर प्रेशर है वो PSI में नहीं आएगा, अगर आपने सेटिंग नहीं किया है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेटिंग्स में। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपके पास LDA लेन डिपार्चर कंट्रोल जो ZX ऑप्शनल व्हीकल है, तो आपको एक फीचर में प्रॉब्लम आने वाला है कि जब आप ओवरटेक करेंगे तो आपको ये कार ओवरटेक करने नहीं देगा LDA के कारण। लेन डिपार्चर कंट्रोल आता है इसमें एक फ़ीचर, तो उसको हम लोग ऑफ़ कर सकते हैं और उसको ऑन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो बात किया था माइलेज सेटिंग का, तो व्हीकल सेटिंग्स करके एक ऑप्शन है यहाँ पे, उसके बाद है सेटिंग्स। तो सेटिंग्स में हम लॉन्ग प्रेस करेंगे, लेफ्ट साइड में स्टीयरिंग कंट्रोल है, ओके का बटन है वहाँ से, और फिर उसके अंदर यूनिट्स का ऑप्शन आता है। यूनिट्स में किलोमीटर पर लीटर में हमें यूनिट्स करना है। उसके बाद आप जब भी माइलेज देखेंगे, तो अभी मैं बैक जाता हूँ और फिर से मैं मेन स्क्रीन पर आता हूँ। ये देखिए, माइलेज यहाँ पर आएगा 9 माइलेज जो अभी मैंने स्टार्ट किया है, तो ये माइलेज यहाँ पर दिखाएगा आपको। वैसे इसका 23.16 का माइलेज है, जो कस्टमर फीडबैक है 17-18 आ रहा है। अब दूसरा जो सेटिंग है वो हमारा जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है उसका हम लोग देखेंगे। तो व्हीकल सेटिंग्स में हम लोग जाएंगे, ये व्हीकल सेटिंग्स में गए तो TPWS का सेटिंग्स है, देखिए TPWS सेटिंग। तो टायर प्रेशर यूनिट में हम सेटिंग में जाएंगे, तो PSI में हमें ये सेटिंग करना है। तो PSI में जैसे ही किया तो आपको टायर प्रेशर जो है, तो टायर प्रेशर आता है कहाँ पे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में हम लोग जाएंगे। तो ये जब आप ऊपर स्लाइड करेंगे यहाँ के ओके के बटन से, तो यहाँ पे 32, 30, 30 ये आपको टायर प्रेशर आ जाएगा। तो ये सेटिंग इंपॉर्टेंट है। और वैसे नया कार लिया है तो क्लॉक भी आपका सेट होना चाहिए। क्लॉक में जो भी टाइम है, अभी जैसे 6 बज रहे हैं, यहाँ पे 6 PM हो रहा है, तो 6 PM मैं कर दूँगा यहाँ पर। ये देखिए 6:37 हो रहा है, तो ये ठीक 6:37 में यहाँ पर टाइम सेट कर दूँगा। तो जैसे आप यहाँ सेट करेंगे तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा। तो बाकी ज़्यादा सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इसका सेटिंग्स में जाके आपको डिस्प्ले चेंज करना है, जैसे आपको डिस्प्ले अगर चेंज करना है इसका, सॉरी व्हीकल सेटिंग्स, डिस्प्ले के लिए ये मीटर्स सेटिंग्स में जाएंगे, मीटर टाइप, तो मीटर टाइप में डिजिटल एंड एनालॉग, तो ये मीटर टाइप का सेटिंग हो गया। तो ओवरऑल ये 4-5 सेटिंग आपको नए कार लेने के बाद कर लेनी चाहिए। तो कैसा लगा दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।